हम यहाँ पे इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, डीसीएस में बैठे हुए हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि इल्म हासिल हो जाए तो हम लोगों से बहस करेंगे, समझ रहे ना, इल्म हासिल हो जाए तो अपनी इल्म की बड़ाई जताएं लोगों के अंदर, हम सबसे ज्यादा जानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इखलास होना चाहिए किसी भी काम में, आप जो कर रहे हैं दीन का काम, इखलास के बगैर अगर अमल करेंगे कुछ भी फायदा नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दार मदार नियतों पर है। मुझे एक वाकया याद आ गया हिफ्ज़े कुरान की, जब बताई बताई अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, कितने बड़े आलिम दीन थे और कितनी कुर्बानियां उनकी अल्हम्दुलिल्लाह है, चंद सालों में अल्लाह ने उनसे कैसा काम लिया। उन्होंने खुद बयान किया, मैंने तकरीर में उनके सुना, कहा कि मैं जब 7-8 साल का या 10 साल का हुआ, जो भी उनकी उम्र रही हो, तो मेरे वालिद मोहतरम ने मेरा दाखिला हिफ्ज कुरान में करा दिया। सुन रहे हैं, हिफ्ज कुरान में करा दिया। तो लोग पूछते थे उनको, मेरे वालिद साहब बहुत बड़े ताजिर थे, मालदार थे, लोग बोलते थे इतना बड़ा मालदार आदमी बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के डाल दिया, तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। तो कहने लगे कि मेरे वालिद मोहतरम ने कहा, मुझे अल्लाह ने दुनिया बहुत दिया है, मुझे दीन चाहिए, दुनिया की कोई कमी नहीं है, अल्लाह दीन भी दे दे तो और कामयाब हो जाएंगे। तो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब मुझे मदरसा ले गए, सुनिएगा वाकई इंशाल्लाह याद रहेगा, मेरे वालिद साहब मुझे मदरसा ले गए, और जो भी फजीलतें हिफ्ज कुरान की हदीस में बयान की गई वो सब उनको मालूम था, और उसी फजीलत के हासिल करने के लिए मेरा नाम मदरसे में डलवा दिया कि ये बच्चा यहाँ हिफ्ज कुरान करेगा, बस समझ में आ रही ना, हाफिज बनेगा। जब नाम मेरा दर्ज हुआ तो वहीं अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मैंने अपने बच्चे को तेरे दीन के लिए डाल दिया, हिफ्ज कुरान के लिए डाल दिया, मेरे दिल में कोई फितूर नहीं, ए अल्लाह ये हाफिज बने ना बने लेकिन मुझे अज्र मिलना चाहिए, समझ रहे ना शेख। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह ने सुन लिया, फिर वो पक्के हाफिज बने और इतने अच्छे हाफिज और आलिम बने। उनको बात समझ में आ गई कि मेरे वालिद मोहतरम का अंदाज क्या है, उनका उनका इरादा कितना अच्छा है। उन्होंने सुन लिया मेरे वालिद साहब इस तरह अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ये हिफ्ज करे ना करे लेकिन मेरी नीयत तो सही है, मैंने अल्लाह के लिए इसको डाला है, अल्लाह मुझे अज्र मिलना चाहिए। जरा देखिए इखलास पर, और इखलास की बरकत देखिए कि उसके जरिए अल्लाह ने कितना काम लिया। ये माँ बाप की दुआओं का असर होता है कि बच्चे कामयाब हो जाते हैं, तो इखलास भी जरूरी है। हम यहाँ पे इल्म सीखते हैं तो हमें इखलास जरूरी है।